हाय, आज हम करेंगे इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू डिसेबिलिटीज़ विद देयर डिटेल्स। जितने भी अपने इंडिया में इंस्टीट्यूट्स हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड, जो कोई ना कोई फैसिलिटी या रिहैबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। मुख्य ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं वो हैं इंडिया में 9, मुख्य रूप से मतलब जो काम करते हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पज़ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, आज वो इंस्टीट्यूट हम करेंगे। देखते हैं पहले कि नाम क्या क्या है उन इंस्टीट्यूशंस के। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फर्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NIPID और NIMH। पहले NIMH के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको NIPID के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NIPVD कहते हैं, और NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, लेकिन अब इसको NIEPVD के नाम से जाना जाता है, और जिसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ है। फिर थर्ड आता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NIPMD। ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, पॉसिबिलिटी होती है कि कोई एक नाम पूछ लिया जाए शॉर्ट फॉर्म देके, या फिर कंप्लीट नाम देके शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाए, या एक कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है, वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी पूछी जा सकती है, इनकी कब एस्टेब्लिश किया गया था इनको। फिर फोर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन, NIMHR। फिफ्थ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्संस विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PDUNIPPD। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, जिसको पहले आप NIOH के नाम से जानते थे, मतलब अब है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। पहले था इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। फिर नेक्स्ट आता है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जिसके शॉर्ट फॉर्म है SVNIRTAR। फिर नेक्स्ट है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जिसके शॉर्ट फॉर्म है ISLRTC। फिर नाइन्थ आता है अली यावर जुंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़, जिसके शॉर्ट फॉर्म है AYJNISHD। फिर नेक्स्ट है जो हमने पीछे किया था, अभी मैंने बताया था, NILD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, उसको पहले जानते थे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। अब इनके डिटेल पढ़ती हैं वन बाय वन। फर्स्ट देखते हैं NIEPID और NIMH। इसकी फुल फॉर्म है NIEPID की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, और NIMH जो कि इसका पहले नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड। फिर ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 1984 में, और ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज़, जो कि वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। आपसे पूछा जा सकता है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये, वर्क करता है, और कैसी बॉडी है ये, मतलब ऑटोनॉमस है या फिर सेंट्रल बॉडी है या गवर्नमेंट बॉडी है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और कहाँ सिचुएटेड है ये, मतलब कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मानव विकास नगर सिकंदराबाद हैदराबाद में। हैदराबाद में सिकंदराबाद जगह है जहाँ पर मानव विकास नगर है, उसके अंदर ये आपका इंस्टीट्यूट पढ़ता है। फिर नेक्स्ट आता है NIEPVD और NIVH। NIEPVD की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट
ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, और NIVH की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। फिर ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1979 में। ये कैसी बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आप देखेंगे कि जितने भी ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, काम करते हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। और ये कहाँ पड़ता है, ये आपका देहरादून में है, फॉर्मली नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, जिसको जाना जाता था जब ये बनाया गया था ये इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड के नाम से। अभी कुछ टाइम पहले ही ये चीज़ें नाम चेंज हुए हैं इनके, जैसे पॉलिसी आती है उसके अकॉर्डिंग नाम चेंज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है NIEPMD, इसका नाम है, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ये एस्टेब्लिश हुआ था 2005 में और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर सिचुएटेड एट चेन्नई। और जो डिसेबिलिटी अफेयर का डिपार्टमेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत काम करता है, और ये कहाँ पड़ता है, चेन्नई में। ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, चेन्नई में। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ बीन सेटअप विद द मिशन टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन थ्रू टीम अप्रोच, फैसिलिटेटिंग इंक्लूजन, एंश्योरिंग एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एंड देयर फैमिलीज़। अब इसमें मतलब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इसको बनाने का, वो चीज़ बताई गई है कि समावेशन को बढ़ाना है, एम्पावर करना है पर्सन्स को जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है, जिनको उनकी फैमिली को। फिर नेक्स्ट है NIMHR। NIMH पढ़ा था और NIMH है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, लेकिन NIMHR है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन। ये आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। और ये कहाँ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन, सीहोर में है, मध्य प्रदेश। NIMHR विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री इन द एरिया ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन। जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितना भी ये पुनर्वसन का जगह है, रिहेबिलिटेशन की जगह है, उनमें ये पहली अपने तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है। इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसको किसके अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है, सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। दिस इज़ अ सेंट्रल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऑलमोस्ट सभी किसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फिर है नेक्स्ट PDUNI, PPD, इसकी फुल फॉर्म है पी से पंडित, डी से दीनदयाल, यू से उपाध्याय, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, पी से पर्सन्स विद, सेकंड पी से फिजिकल, डी से डिसेबिलिटीज़। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, कब बनाया गया था, 1976 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या हैं इस इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए, इज़ टू डेवलप ट्रेन मैन पावर फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड पर्सन्स, प्रोवाइड आउटरीच सर्विस एंड कंडक्ट रिसर्च। और ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, और किसके अंतर्गत काम करती है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ, इसका इस पर भी मतलब किसके अंडर काम करती है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। और कहाँ सिचुएटेड है ये, न्यू दिल्ली में। फिर नेक्स्ट आती है NILD और NIOH। फुल फॉर्म क्या है NILD की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, और NIOH से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। एस्टेब्लिश कब हुआ था ये, 1978 में हुआ था,
द इंस्टीट्यूट वॉज रजिस्टर्ड एज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. ये भी उसी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है जिसके अंतर्गत NIMHR किया गया है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू डेवलप मैन पावर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पॉपुलेशन. सेम वही है जो NILD का था. सिचुएटेड एट, और ये कहाँ है, कोलकाता में है ये, जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है. फिर नेक्स्ट है SVNIRTAR, जिसकी फुल फॉर्म है एस से स्वामी, वी से विवेकानंद, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट ऑफ द, आर से रिहैबिलिटेशन, टी से ट्रेनिंग, ए से एंड एंड आर से रिसर्च. एस्टेब्लिश कब हुआ था ये 1975 में. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम, रिसर्च एंड आउटरीच प्रोग्राम्स. और ये भी कैसी है, ऑटोनोमस बॉडी है जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत. कहाँ पड़ती है ये, कटक में, ओडिशा. फिर नेक्स्ट है ISLRTC, आई से इंडियन, एस से साइन, एल से लैंग्वेज, आर से रिसर्च एंड टी से ट्रेनिंग, सी से सेंटर. इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर. एस्टेब्लिश कब हुआ था ये 26th of September को 2015 में, और ये न्यू दिल्ली में पड़ता है. ये भी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत काम करती है. ये चीज़ें तो कन्फ्यूज होने वाली हैं ही नहीं, क्योंकि सब में ही सेम है. और इसको कब, किसके अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत पारित किया गया था, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू डेवलप मैन पावर, ये तो सभी का ही है कि मैन पावर डेवलप करना है, फॉर यूजिंग इंडियन साइन लैंग्वेज, जो कि इंडियन साइन लैंग्वेज यूज़ करें, एंड टीचिंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च इन ISL, और जो कि जो इंडियन साइन लैंग्वेज है उससे रिलेटेड शिक्षण दे और रिसर्च कंडक्ट करें, इंक्लूडिंग बाइलिंगुअलिज्म, टू प्रमोट द यूज़ ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज, और उसको बढ़ावा दे एज एजुकेशनल मोड फॉर डेफ स्टूडेंट्स एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन लेवल पर. फिर नेक्स्ट है AYJNISHD, इसकी फुल फॉर्म है ए से अली, वाई से यावर, जे से जंग, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, एस से स्पीच एंड हियरिंग, एच से हियरिंग, डी से डिसबिलिटीज. एस्टेब्लिश हुआ था ये 1983 में, और ये मुंबई में है. इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं मैन पावर डेवलपमेंट, रिसर्च, क्लिनिकल सर्विसेज, आउटरीच एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, सोशो इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास की, मटेरियल डेवलपमेंट एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज. ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, एन अपेक्स ऑटोनोमस नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये सभी एक ही डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करती हैं. तो ये थे आपके जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट हैं डिसेबिलिटीज से रिलेटेड, जो कि जो विकलांग पर्सन है, दिव्यांगजन पर्सन है, उनकी हेल्प के लिए काम करती हैं. मुझे ये किसी ने बोला था बच्चे ने कि मैम ये इंस्टीट्यूट वगैरह करा दीजिए, इसलिए मैंने आपको ये इंस्टीट्यूट कराए हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.